अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, की हाल चाल है जनाब। तुसी देखते पे हो अपना देश पंजाब टीवी ते मैं तुहाडा मेज़बान मुहम्मद रदीम खरल। सब तो पहले अपने चैनल नु करना सबसक्राइब ते बैल आइकन ते क्लिक करना है। कच्ची ते बेहतरीन वीडियो दा नोटिफिकेशन हमेशा दी तरह वीरां भरावां ते सज्जनां नु मिलदा रहे। अल्लाह दे खास फज़ल नाल वीरां वास्ते इह अनमोल खूबसूरत ते वलैती जानवर दी वीडियो लैके हाजिर होए हैं। इह जनाब इंशाल्लाह खरलां दे घर दी बेहतरीन और नायाब ब्लड लाइन दे विचों वीरां वास्ते जे कैसा तोहफा लेके हाजिर होए हैं कि वीर अज इंशाल्लाह अश अश कर उठणगे। ये पूरी वलैती पूरी नायाब नीली दी और अल्लाह दे फजल करम नाल इंशाल्लाह नीली बच्चे जे हीरे और जनाब खूबसूरत जानवर कदे ही पैदा होंदे ने। बाकी मैं दी जदों वंडा दी गल करांगे, मैं दी जदों आर्डर क्वालिटी दी गल करांगे, मैं दी जदों थणा दी गल करांगे, इंशाल्लाह मैं फुट अगे वाना दो फुट वाना पिछे मैं नूं अल्लाह दे फजल करम नाल ये जिया वलैती खूबसूरत नायाब ये नीली दियाँ जनाब खूबसूरत मजी अपना देश पंजाब टीवी वीरां वास्ते शौक करवांदा है और इंशाल्लाह शौक दियाँ गल्लां ने। बाकी लैणे देणे मुकद्दर हुंदे ने। मैं नूं थण रुक रुक दा खूबसूरत है, अल्लाह दे फजल करम नाल मैं पूरी वलैती पूरी नीली दी इंशाल्लाह वीरां नूं पसंद आएगी और अल्लाह दे फजल करम नाल ये जिया मजी घट नीली च पैदा होंदियां ने। मैं नूं जदों बरीकियां दी गल करांगे, मैं नूं खुड्डा पुट्ठा हड्डियां ते ढाका मैं नूं हज़ारां महीने दे विचों कदे इह जिहियां मज्जी पैदा होंदियां ने। बाकी मैं जदों सिर अख दी गल करांगे, अख मण मण दी बिल्ली मुछां बगियां मत्थे ते फुल्ली और सिर मैं नूं जेनुइन खूबसूरत इह नहीं कि गली बाती वाला आला क्वालिटी दा जनाब मैं नूं थण लग्गिया उन्ना ही खूबसूरत सिर लग्गिया और उन्ना ही मैं नूं आला क्वालिटी दा माशाला अख ते मुछां बगियां ने। मैं इनू सूआ दूजे मैं इनू धुनी कौली अगले पिछले पैरों का बेहतरीन तरीके नाल ख्याल करना है और कैमरे की निगाह दे विच अल्लाह दे फजलो करम नाल मैं इनू पूरी तसली नाल वेखना है कि मैं की आंदी है। बाकी मज अगर कोई वीर भरा कहे कि मैं देसी है, मैं जनाब मोटे चम वाली है, मैं जनाब रावी दी है, असी मैं अगर एक रुपया नहीं लैना, मैं इहदी पूछ दी गल करांगे ते मैं अल्लाह दे फजलो करम नाल कच्च दियां डोरां लई फिरदी है और इंशाल्लाह इह ओह डोरां ने जिहड़े वीर कदे पतंगां भी इंशाल्लाह नहीं उड़ांदे होणगे क्योंकि अपना देश पंजाब टीवी ने हमेशा नीली बार दे खूबसूरत और आउटक्लास जानवर दिखाए ने जिन्हां दे विच कोई किसे किस्म दी भी दो राय नहीं। मुछां बगियां अखां सफेद चिट्टियां मत्थे ते फुलियां तौण गज लम्मी और जनाब ऐ जिवें वलैती हिरन हुंदा है। बाकी गल्लां दा सारा ज़माना ही करदा है। अल्लाह दे फजल करम नाल लैणे देणे हमेशा दी तरह मुकद्दर हुंदे ने। अपना देश पंजाब टीवी दी हमेशा अवलीन तरजीह रही है कि अल्लाह दे फजल करम नाल वीरां वास्ते कोशिश ते काविश और जनाब वलैती जानवर हमेशा लै के असी हाज़र हुंदे रहीए। पंडां दे मैं नूं आवाने ने और मैं इहदियां गरंटियां ने 22 to 25 सेर दियां। हुण मैं कच्चे बच्चे दे विच और मैं दे कोल इस टाइम तकरीबन को 15-16 किलो दुद्ध सी। लोकां तरह 50 किलो वाली गल नहीं करनी, 32 किलो वाली गल नहीं करनी। मैं अगर ख्याल किया तो मैं इंशाल्लाह अल्लाह दे फजल करम नाल 22 to 25 लीटर दुद्ध देवेगी। मगर मैं दे कट्टा है, मैं एडी बरीक और एडी नस्ली है कि जमाने दे विच इंशाल्लाह ये मज्जी नीली बच्च तो कोई पैदा घट ही होणगियां। हाँ, अगर गल्लां ने नीली दियां, अगर मैं नीली दी ना होवे मैं भी फ्री, आन जाण दा किराया भी फ्री, मैं इहनूं कोई लम्मा पै के भी अल्लाह दे फजल नाल धुनी दा बुच्छ या अगले पिछले पैरां दे विच कोई वंडा, मैं इहनूं जिहड़ी गानी पाई है इह या स्पैशल मैं कहनी है गानी नाल देनी है क्योंकि इह गानी जिहड़ी है इह बंदे जिस दे हत्थ दी मिंचरां बाद ब्लड लाइन दे विचों जनाब मिंचरां बाद मज आई है स्पैशल खरलां दे घरों और जनाब जिथे आई है वह भी खरलां दा डेरा और जिहड़ा इहनूं एडवरटाइज़ कर रहा जिहड़ा विखा रहा नीली च वह भी खरल है ते लेकिन गरंटियां मैं दियां पूरियां अल्लाह दे फजल नाल। अगर किसे फिर जिहड़ी गल हमेशा चैनल वाले नहीं दसते असी दसांगे कि मैं अगे भी असी दस सकते सारा उस्ताद बनाया है लेकिन जी अज गल भी दसांगे कि मैं हुण तक भी टाइम जिहड़ा हो गया अगर मैं कैमरे च दिखा सकां तो तकरीबन टाइम होया जी 4:15 दा और ये मैं अजे तक थणा ते मैं पता कौन नहीं। बाकी निज़ाम नूं वेख्या जाए तो सारे फुल फिट करके मैं छड़दे ने, मैं साढ़े थणा ते नहीं आई क्योंकि असी काम करना है, नीली विखानी है, शौक कराना है। मगर मैं ते कट्टा है, मैं अज तकरीबन कोई 10 to 12 दिन हो गया सूई नूं, मैं इहनूं खूबसूरती कूंज वर्गी मैं पूरी वलैती पूरी नस्ली और पूरी खानदानी अल्लाह दे फजल नाल। अगर कोई वीर चैलेंज करे सानू मैं ते कि मैं फलानी जगह तो कुट दिए, मैं ते खुड्डे विच गोश्त है, मैं दा पुट्ठा इह जिहा है, मैं जे डाका इह जिहा ने, पलवान दे तुरे वर्गी रेशम वर्गी मज पूरी नस्ली पूरी खानदानी ते पूरी आरां वाली अल्लाह दे फजल नाल शौकीना वास्ते ये गल्लां बड़ियां
मामलात रख दिया ने और असी इंशाला शकीनी दे ही मुल भराने हैं और जनाब वीर शौक भी कराने हैं। मैं थन अडर खूबसूरती नसल दात हमेशा हजारा महीने कद ये जानवर पैदा होते रश भाई मैं कट्टे लगे करो तो मैं टोर के बखाओ मैं पूरी तसली कराओ जो तो मैं पूरी तसली हो गई टोर फेर ली मैं उस तो बाद फिर मालक सद लैने भाइये सद लैने वो आपको दसेगा ये बारे मैं मुल की है मैं दिया गल् की ने मैं दिया बातें की ने और मैं कच का खड़ावना है और इंशाला मशका लाई फिर दी है जमाने में कद जमन गया तो पता होएगा। बाकी हर पासा मैं हर एंगल तो तसलियां करानिया ने पूरा ये जनाब खूबसूरत और इंतहाई आला जानवर है प्योर नीली है अखा बिलिया जे बद कहते होंगे अख बिल्ली होंगी कुकरा होंगे अखा सेम बराबर ने सिर कुंडा मत्थे ते फुली मगरों मैं हजारा मई बिचो कदी जो मई पैदा होंगे ने मैं जिथे खलोवेगी पद्धर फरश से खिलवा के नहीं कि लम्बिया खिचा के अगे पिछे ड्रामे करके ये नहीं होगा इंशाला जिथे खिलोवेगी मैं इंशाला फुट फुट बार कढ़ देगी ए नीली की खूबसूरती यही है नीली और जनाब जिंदा दिल करे ये जो मर्जी बह के थले बह जाओ कोई एतराज नहीं और जनाब ये पुत्र माँ भैन भरा मासी चाची ते फुफियां जिन्हिया भी नीली ते जमन या बाद विच जिहड़े मामले ने अगर मैं दिया कोई असीलतां ते जे गल्लां थले बह के अगर मैं हथ फेर दिता तो ये मज अल्लाह के फजलो करम नाल उस टाइम पसंद आती है क्योंकि ये ब्लड लाइन है ये नस्ल है दिन में चार बारी पांच बारी तुसी इन्हें चोवो हिलेगी नहीं क्योंकि पुत्र ने ते पुत्रां दियां गेमां दा सारयां दा पता हुंदा रात दे पित दा पता हुंदा और उन्हां दी गल्लां दा भी पता हुंदा। बाकी मैं हर पासों पूरी है हर एंगल तो पूरी है नायाब है मैं मशकों वर्गा खूबसूरत हवाना है वेख तुसी लईए तक तुसी लईए बाकी गल्लां सारियां आपां मालिक नाल करने हैं भाई नाल करने हैं उन्होंने पुछने हैं इस मैं दी पूरी डिटेल दें राशिद भाई तुसी मैं उत्थे बन्नो दोबारा पैड़े ते ते जनाब बच्चों के अगले पास करके बन दियो असी गल्लां भाई नाल करने ना तुसी कैमरा मैन समाज विखाई रखो आखिर तो यह भी विखाया जे कि बंदा कौन सी कि मज सी गल्लां सारा दमाना करता है रौला तो नीली तो फिर पै जाना है अज फिर बंदे ने लभना है कि इस बंदे लभो यार एड्डी बरीक मैं एड्डी खूबसूरत मज कितों इन्हें लभ ली तो बाकी गल्ला मैं दी नास नू अगर बंदे समझते हैं तो मैं दी नास भी वेखनी है नीली दी मैं पढ़ना है नास फिनी बुथी मैं केड़ी लम्मी अख केड़ी उभरी हुई मन मन दी सिर कितने रखे हुआ है मैं कन्नी किन्नी लम्मी है पैर किड़े सोने ने मैं अंदरलियाँ तो लैके नलिया मैं पट मैं खुडा पुट्ठा तो हड्डियाँ तो डाका तो मैं अडर हवाना चड्डा पंजाबी ये सारी गल्लां वेखनियां ने उस बाद मैं बोल लाना है कि जेड़ा बंदा समझदा नीली नू ओही गल करे तो जेड़ा नहीं समझदा उनू तो फिर माजरत ही है ते आओ खाजी राय साहब अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम भाईजान की हाल चाल जी शुक्र है सेहत तबीयत ठीक है सब खैरियत खैरी तो मैं चाहना कि मैं परले पास खड़ी रहे तो आप गल्लां भी करते रहिए तो मैं भी दिखती रहे कैमरे के अच्छा राय मुहम्मद खान खरल यही नाम है जी बदलिया तो नहीं पक्की गल है अच्छा भाईजान ये दसो कि मैं किन ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਵੈਲਿਡ ਹੋਣੀ ਹੈ ਮੈਂ ਭਾਵੇਂ ਸਿਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖੀ ਰੱਖਣਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਮੰਨਣੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਣ ਵੀ ਆਖਾਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੰਨਣੀ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮੈਂ ਦੂਜੇ ਸੂ ਦੂਸਰੇ ਸੂਏ ਅੱਛਾ ਜੀ ਭਾਈ ਤਰੀਫ ਆਪਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਤਰੀਫ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਦੀ ਅੱਛਾ ਜੀ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਕੀਨ ਭਰਾ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪੇ ਵੇਖ ਕੇ ਸਮਝ ਜਾਣਗੇ ਸਮਝ ਜਾਣਗੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤਰੀਫ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਇਹ ਕਿ ਮੈਂ ਆਈ ਹੈ ਆਪਣੀ ਬਰਾਦਰੀ ਤੋਂ ਹੀ ਹਾਂਜੀ ਮਿੰਚਰਾ ਬਾਦੋਂ ਆਈ ਹੈ ਮਿੰਚਰਾ ਬਾਦੋਂ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉੱਥੋਂ ਖਰੀਦੀਏ ਬਿਲਕੁਲ ਮਿੰਚਰਾ ਬਾਦ ਦੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਈ ਮੈਂ ਖਰੀਦੀਏ ਚੋਰੀ ਪੀਤੀਏ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕੋਈ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਮਾਰਾਂਗੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਘਰ ਦੀ ਬਰੀਡ ਸੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਸੂਆ ਪੀਤਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੁੱਧ ਪੀਤਾ ਝੂਠ ਮਾਰਨਾ ਇਹ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹ ਸਤਵਾਂ ਦਿਨ ਨੂੰ ਸੂਈ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਜੀ ਸਤਵਾਂ ਅੱਜ ਅੱਠਵਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਠਵਾਂ ਅੱਠਵਾਂ ਦਿਨ ਹੈ ਅਸੀਂ 8 ਕਿਲੋ ਟਾਈਮ ਦਾ ਦੁੱਧ ਜਿਵੇਂ ਥੋੜਾ ਚੋਂਦੇ ਪਿਆ ਸਾਰਾ ਨਿਚੋੜ ਦੁੱਧ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਿਓ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਿਆ ਕੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਿਆ ਕੇ ਅੱਛਾ ਤਿੰਨਾਂ ਥਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 8 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਅਸੀਂ ਚੋਂਦੇ ਪਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗਰੰਟੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਮੈਂ ਦਾ ਦੋ ਟਾਈਮ ਦਾ ਦੁੱਧ ਸਾਰੀ ਮੱਝ ਦਾ ਮੈਂ 16 ਕਿਲੋ ਕਮਾ ਦੋ ਟਾਈਮ ਤਿੰਨ ਟਾਈਮ ਚੋਈ ਕਰਾ ਸਕਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਤਸੱਲੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਅਜੇ ਮੈਲੇ ਮੁੱਲ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪਈ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਪੱਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤਸੱਲੀਆਂ ਨੇ ਅਜੇ ਮੈਲੇ ਦੀ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੱਟੀ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਹੀ ਆਈ ਹੈ ਮਿੰਚਰਾ ਮੌਜ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਬੈਠਣ ਉੱਥੇ ਜੀ ਖਰਲ ਨੇ ਖਰਲ ਆ ਗਈ ਫਾਰਮ ਤੇ ਖਰਲਾਂ ਦੇ ਤੇ ਜੀ ਅਗਾਂ ਵੀਡੀਓ ਚੜਾਈ ਖਰਲਾਂ ਨੇ ਖਰਲਾਂ ਨੇ ਵਕਤ ਵਕਤ ਜਗ੍ਹਾ ਲੱਗਦੀ ਜਾਂਦੀ ਅਗਾਂ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਦੇ ਨਸੀਬ ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਘਰੇ ਚੋਈ ਪੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਸੱਲੀ ਹੈ ਹਰ ਗੱਲ ਦੀ ਮੈਂ ਹਰ ਗੱਲ ਮੈਂ ਬਰੀਕ ਹੈ ਨੀਲੀ ਦੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮੈਂ ਨੀਲੀ ਦੀ ਸਾਬਤ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਤਾਂ ਫਿਰ
ਆਣ ਜਾਣ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਦਿਆ ਕੇ ਨਾਲ ਮਾਜ਼ਰਤ ਕਰਾ ਕੇ ਮਾਜ਼ਰਤ ਵੀ ਕਰਾ ਕੇ ਭਾਈ ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਪੰਦ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਡੀ ਨੀਲੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀ ਤੇ ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਾਡੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਜਾਂਚ ਡਾਣ ਸਾਡੀ ਛੱਡ ਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਜਾਵੇ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਨੀਲੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਇੱਥੋਂ ਨੀਲੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਅੱਛਾ ਜੀ ਚਲੋ ਮੁੱਕ ਗਈ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਮੁੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਮੁੱਲ ਕਰਨਾ ਮੁੱਲ ਕਰਨਾ ਪੱਕਾ ਤੇ ਪੀਡਾ ਤੇ ਇਹਨੇ ਨਾ ਲੰਮੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਨਦੀਮ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਨੇ ਆ ਨਾ ਪਿੱਛੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਰਨੀ ਆ ਆਪਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਆ ਕਿ ਜਨਾਬ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲੋ ਕਰਮ ਨਾਲ ਤੇ ਐਂ ਨਾ ਤਸੱਲੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਐਂ ਮੋਤੀਆਂ ਰੰਗੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਭਾਈ ਜੀ 12 ਲੱਖ ਦੇ ਆਪਾਂ ਦੇ ਦਿਆ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਭਾਈ ਕੋਈ ਪੱਕੀ ਗੱਲ 12 ਲੱਖ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਥੇ ਨਦੀਮ ਭਾਈ ਕੋਈ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਆਪਾਂ 15 ਲੱਖ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮੁੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਮੈਂ ਦੀ ਨਾ 12 ਲੱਖ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਵਪਾਰ ਲਾਈਨ ਵਾਲਾ ਮੰਡੀ ਜਮਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਕਦਾ ਹੈ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਹੈ ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ ਚੈਨਲ ਆਪਣੇ ਤੇ ਮੈਂ ਛੱਡਦੀ ਪਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪੱਕੀ ਕਰਨੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜੀ 100 ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣਾ 100 ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਉਹ ਪੱਕੀ ਇੱਕੋ ਕਰਨੀ ਕਿ ਆਪਾਂ 100 ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਆਪਾਂ 100 ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ 100 ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਮੈਂ ਦੁੱਧ ਕਿੰਨਾ ਕਰ ਜਾਏਗੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਜੋ ਮਹੀਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਸੋਹਰੇ ਮੈਂ ਦੁੱਧ ਕਿੰਨਾ ਕਰ ਜਾਏਗੀ ਮੈਂ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਸਟੈਪ ਵੇਂਦੇ ਆਣੇ ਆ ਨਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਮੈਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਤਸੱਲੀ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮੈਂ 28-30 ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ 28-30 22-25 ਤੇ ਪੱਕਾ ਕਰੇਗੀ ਪੱਕਾ ਲੋਏ ਰਹਿ ਇਸ ਟਾਈਮ 16 ਕਿਲੋ 4 ਚੁਆਈਆਂ ਮੈਂ ਕਰਾ ਦਾਂ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰਾ ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਪਰ ਉਹ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਤੇਰਾ ਭਰਾ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਪੈਣ ਬੈਣ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਪੈਣ ਨੂੰ ਬੈਣ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅੱਛਾ ਤਸੱਲੀ ਨਾਲ 4 ਦਿਨ ਚ ਹੋਵੇ 5 ਦਿਨ ਚ ਹੋਵੇ ਚਲੋ 4 ਚੁਆਈਆਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ 4-5 ਦਿਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ 4-5 ਦਿਨ ਚ ਹੋਵੇ ਮੁੱਲ ਹੋ ਜਾਏ ਆਪਣੀ ਫਾਈਨਲ ਹੋ ਜਾਏ ਟੋਕਨ ਪਹਿਨਾ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ 5 ਦਿਨ ਚ ਹੋਵੇ 16 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਦੱਸਿਆ 16 ਕਿਲੋ 4-5 ਦਿਨ ਚ ਹੋਵੇ ਜਦੋਂ ਐਨ ਦਿਲ ਗੁਲਾਬ ਰੰਗਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਉਦੋਂ ਲੈ ਮੁੱਲ ਮੰਗਣ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ 12 ਲੱਖ ਲੇਕਿਨ ਫਾਈਨਲ 10 ਲੱਖ ਦੀ ਹੀ ਮੈਂ ਦੇਣੀ ਹੈ 12-13 ਲੱਖ ਨਹੀਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਵੀ ਬਰਾ ਆ ਗਿਆ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਸ ਲਹਿਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਆਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੂੰ ਆਪ ਸਮਝਣਾ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਕੋਈ ਆਇਆ ਬੂਹੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਜਿਹਾ ਉਨੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ ਹੋ ਜਾਏਗੀ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਈਏ ਜਨਾਬ ਇਸ ਮੱਝ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਮੱਝ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 19 ਲਾਡ ਪਿਆਰ ਹੋਰ ਵੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਬੇਲੀ ਮੱਝ ਨੂੰ ਸਮਝੇ ਪਰਚੇ ਉਹ ਮੁੱਲ ਆਵੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵੱਸ ਦਾ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਮੈਂ ਦਾ ਆਰਡਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮੈਂ ਦੀ ਪੂਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕੱਢ ਕੇ ਮੈਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲਾਵੇ ਆਪਣਾ ਰੱਖਿਆ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਖਿਆਲ ਮਿਲਾਂਗੇ ਅੱਛੀ ਔਰ ਬਿਹਤਰੀਨ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਪਾਕ ਆਰਮੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ